साव्य भी उष्मा का सिद्धांत। देखिए इससे पहले आपको आपने हर्बर्ट स्पेंसर का कौन सा सिद्धांत पढ़ा था? उद्विकास का सिद्धांत, इवोल्यूशन थ्योरी। आज जो आया है, सबसे पहले मैं कुछ शब्दों को आज यहाँ पे स्पष्ट कर दूं, क्योंकि उससे हमें सिद्धांत को समझना बहुत आसान हो जाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर को आप सभी जानते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में उद्विकास के बारे में, कैसे हमारी सोसाइटी का उद्विकास हुआ है, उसके बारे में विस्तार से बताया। इसी क्रम में उन्होंने एक साव्य भी उष्मा का सिद्धांत, कहने का मतलब है उन्होंने प्राणी शास्त्रीय उद्विकास को और उद्विकास को कहीं ना कहीं आपस में समानताओं का उल्लेख किया है। और ये व्हाट इज, देखो साव्य भी किसे कहते हैं, पहले प्रॉपर इस शब्द का अर्थ समझ लो, साव्य भी किसे कहते हैं? शरीर समान ऑर्गन्स, ऑर्गन्स तो मैंने सुना है ना, जैसे हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, बॉडी के पार्ट्स सबको मिला के सावयव का निर्माण होता है, यानी शरीर का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सावयव। जैसे एक शरीर की हम बात करें, शरीर का जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, वो किस चीज से बना है? आंख, नाक, कान, गला, हाथ और अंदर के ऑर्गन्स, जिसे हम कहते हैं हार्ट, मस्तिष्क, ठीक है, लंग्स, किडनीज, इनसे मिलके हमारे पूरे शरीर की संरचना बनी है। तो सावयव कहते हैं शरीर को। कहीं ना कहीं हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत सावयव और समाज दोनों के बीच कुछ समानताओं का उल्लेख किया है। इसे साव्य भी उष्मा का सिद्धांत क्यों कहा जाता है? इसे साव्य भी उष्मा का सिद्धांत इसलिए कहा जाता है कि हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज और सावयव के बीच कुछ समानताओं का उल्लेख किया है, और वो कैसे किया है वो हम इस सिद्धांत में समझेंगे। तो सावयव का मतलब समझ में आ गया आपको? सावयव का मतलब होता है शरीर, ठीक है, शरीर जिस प्रकार अंगों से बना है, सोसाइटी। समाज, समाज की संरचना की बात करें, थोड़ा और क्लियरिफाई कर देती हूँ उसको, थोड़ा स्पष्ट करती हूँ। देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया जो शरीर होता है, शरीर का निर्माण अंगों से होता है। कौन कौन से बताओ? शरीर हमारा किस किस अंग से मिलकर बना है? हाथ, कान, नाक, लीवर, ठीक है, शरीर की संरचना इन सब अंगों से बनी है। यदि हम सोसाइटी की बात करें, समाज की बात करें, तो समाज की संरचना किससे बनी है? समाज के विभिन्न अंगों से, परिवार, विवाह, नातेदारी, सामाजिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, राजनीति, धर्म, इन सब से, मतलब शरीर का निर्माण, शरीर जैसे समाज, शरीर का निर्माण अंगों से होता है, उसी प्रकार समाज का निर्माण जो होता है, समाज के विभिन्न अंगों से होता है। और अंग कौन है? ये सब सारी संस्थाएं या जिनसे मिलकर हमारे समाज का निर्माण, राजनीति, धर्म, कानून, व्यवस्थाएं, ये सब शरीर के संरचना के अंग है। ध्यान से समझना, और जब ये समझ जाओगे तो आपके लिए समझना, मतलब लिखना बहुत आसान हो जाएगा। सावयव का मतलब फिर से क्लियरिफाई कर रही हूँ, शरीर, और समाज के अंग मतलब होते हैं जिससे समाज की संरचना का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं समाज की संरचना। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने साव्य भी उष्मा के सिद्धांत में बताया कि किस प्रकार प्राणी शास्त्रीय उद्विकास का और समाज के उद्विकास में अनेक समानताएं हैं। देखो ध्यान देना मेरी बात में, प्राणी शास्त्रीय उद्विकास, प्राणी शास्त्रीय मतलब एक व्यक्ति के उद्विकास, जब मैंने बताया था उद्विकास के बारे में, और एक समाज के उद्विकास में दोनों में अनेक समानताएं होती है, उसी को अपने इन्होंने इस सिद्धांत में क्लियरिफाई किया है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि दोनों, दोनों कौन? प्राणी शास्त्रीय और सामाजिक, दोनों जो है उनका विकास जो है अनिश्चित, असंबद्ध समानता से हुआ है। मैंने डेफिनेशन बताई थी, अनिश्चित, अनिश्चित, असंबद्ध, असंबद्ध समानता, समानता, समानता। हर्बर्ट स्पेंसर का कहना है कि दोनों का जो निर्माण हुआ है, दोनों का निर्माण हुआ है अनिश्चित, असंबद्ध समानता से। मतलब ना तो कोई उनकी आकृति थी, ना कुछ आकार था, लेकिन समानता थी। लेकिन धीरे 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 इनको उन्होंने कैसे समझाया, इनको उन्होंने कुछ पॉइंट में समझाया। जैसे उन्होंने कहा था, पहले सर्वप्रथम हमारा जो प्रारंभिक समाज था, उन्होंने प्रारंभिक समाज से स्टार्ट किया। जो प्रारंभिक समाज था वो इतना सरल और सादा था, मैंने आपको बताया भी था कि मनुष्य जंगलों में रहता था, ना कोई परिवार, विवाह, नातेदारी, कोई संस्था नहीं थी। मनुष्य सिर्फ एक बंदरों की तरह
जंगलों में रहता था, खानाबदोशी जीवन, खानाबदोशी जीवन कहते हैं अस्त व्यस्त, कुछ भी खा लो, माल पर पशुओं को खा लो, एक पेट से दूसरे पेट पे सो जाना, ठीक है, उन्होंने कोई भी व्यवस्था नहीं दी। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर ने जो हमारे प्रारंभिक समाज की अवस्था थी वो बिल्कुल सरल और सादगी वाली थी, जिसमें जिस उसमें स्थिति क्या थी, अनिश्चित असबद्ध समानता थी। प्रारंभिक समाज जो था बिल्कुल सरल और सादा था, मनुष्य जंगलों में घूमता था, घुमंतु जीवन यापन करता था, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना बुद्धि का अभाव था, उनकी स्थिति थी अनिश्चित असबद्ध समानता थी। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति पनपी। उन्होंने देखा, देखो प्रारंभ में जब मनुष्य जंगलों में रहता था कहीं ना कहीं पशुओं के आक्रमण से मारे जाते थे, ठीक है, कोई ना कोई मिस हैपनिंग मतलब ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती थी कि मनुष्य के अंदर एक असुरक्षा का जन्म हुआ। असुरक्षा अब आप खुद ही देखिए, यदि आप किसी अंधेरे कमरे में अकेले बैठे हो तो आपको बहुत डर लगेगा, लेकिन वहीं आपके साथ यदि तीन चार लोग या कुछ लोग साथ में बैठे हो तो आपको एक सांत्वना रहेगा कि हमारे साथ कुछ लोग हैं, कुछ भी ऐसी दुर्घटना होगी तो सभी के साथ होगी, हम सब मिलकर मुकाबला कर लेंगे। ध्यान से समझना बात, प्रारंभिक अवस्था समाज की सरल और सादगी वाली थी, वो अवस्था की अनिश्चित असंबद्ध समानता थी। लेकिन धीरे धीरे समाज का स्वरूप बदला, समाज में स्थायी निवास की प्रवृत्ति पनपी। वो किस तरह पनपी, मनुष्य में असुरक्षा का जन्म हुआ। असुरक्षा का जन्म हुआ कि जब उसे लगा कि मेरे साथ दुर्घटनाएं हो जाती है, फला व्यक्ति मारा गया, तो उन्होंने स्थायी निवास एक जगह अपना निवास बनाया, घर बनाया, धूप से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए, जंगली जानवरों के आक्रमण से बचने के लिए उन्होंने स्थायी निवास पनपा। और साथ ही साथ मनुष्य ने क्या किया, उनके अंदर जब बुद्धि आई तो उन्होंने खेती, पशुपालन, उन्होंने देखा पशुओं को पालने के बहुत सारे फायदे हैं, पशुपालन सीखा, खेती सीखी, जिससे उनके अनुभव, ज्ञान और विचार में वृद्धि हुई। अनुभव मतलब एक्सपीरियंस उनका बढ़ा, ठीक है, समूह में रहने से उन्हें शक्ति मिली, यानी समाज में सेकंड स्टेज ऐसी आई, समाज में भिन्नता का गुण बनता, भिन्नता का गुण का समावेश हुआ। प्रथम अवस्था ऐसी थी अनिश्चित असबद्ध समानता की, लेकिन सेकंड स्टेज क्या आई थी, समाज में भिन्नता का गुण बनता, मनुष्य के अनुभव, ज्ञान, विचार में वृद्धि हुई, और उसमें स्थायी निवास का उन्होंने देखा कि हमें साथ रहने में फायदा है, खेती सीखा, पशुपालन सीखा। नेक्स्ट जो स्टेज आई, मनुष्य ने जो मनुष्य का वो था उसमें व्यक्तिवादी सामाजिक रूप से, सामूहिक रूप से वो सामाजिक प्राणी रहने लगा। सामूहिकता की भावना से निकलकर कहीं ना कहीं उसमें सामाजिकता की भावना का समावेश हुआ। देखो भिन्नता का गुण पनपा, साथ ही साथ यहाँ पे श्रम विभाजन और विशेषीकरण, श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण आया। मैंने आपको बताया था श्रम विभाजन किसे कहते हैं, कार्यों का बंटवारा, कार्यों का बंटवारा, श्रम को छोटे छोटे टुकड़ों भागों में बांट देना जिससे कार्य कुशल ढंग से संपादित हो सके। जब मनुष्य ने खेती सीखा, पशुपालन सीखा, तो श्रम परिवार विवाह नातेदारी व्यवस्था भी अस्तित्व आई, समाज में भिन्नता के गुण का समावेश हुआ। इन श्रम विभाजन के फलस्वरूप मनुष्य का जो सामूहिकता था, सामूहिकता ने कहीं ना कहीं सामाजिकता की भावना का समावेश हुआ और मनुष्य क्या हुआ, सामाजिक प्राणी हुआ। साथ ही साथ इन श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण के होते हुए भी समाज की विभिन्न इकाइयों में कुछ अंतर संबंध और अंतर निर्भरता, इसमें मतलब सब एक दूसरे से, अभी बताती हूं मैं, अंतर संबंध एवं अंतर निर्भरता, अंतर संबंध और अंतर निर्भरता बनी रही। देखो सम विभाजन और विशेषीकरण में कार्यों का बंटवारा हो जाता है, व्यक्ति अलग अलग कार्य के एक भाग को करते हैं, लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर का कहना है इन भिन्नता के बाद भी समाज के सभी व्यक्ति
अंतर अंतर संबंध एवं उनके बीच अंतर निर्भरता बनी रहती है। वो कैसे? देखिए प्रारंभ में अगर हम बात करें इन सब काल में जब समाज अत्यधिक सादा और सरल था, पहले आर्थिक व्यवस्था कैसे चलती थी? लेन देन के माध्यम से। व्यक्ति गेहूं अगर उगाता था, बदले में दूसरे को देके बर्तन ले लिए, ठीक है, चावल ले लिए, विनिमय उसे बोलते थे। लेकिन धीरे धीरे जब समाज सरलता से जटिलता की ओर आता है, जो कि मैंने आपको उद्विकास में ही बताया था, उद्विकास में बताया था कि समाज की सरल और सादी व्यवस्था जटिल व्यवस्था में बदल जाती है। जटिल व्यवस्था क्या कहते हैं? जैसे प्रारंभिक स्वरूप बिल्कुल सरल और सादा था, लेकिन आज की तारीख में हम लेन देन की बात करें, मुद्रा अस्तित्व में आ गई है। लेन देन जो होता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेन देन हो रहा है, ठीक है, नगद मुद्रा के माध्यम से व्यापारिक संबंध जो बनते हैं देशों के बीच, वो इतने जटिल हो गए हैं कि उन्हें समझ पर, तुमने अगर इकोनॉमिक्स में पढ़ा हो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ठीक है, और अगर हम उदारीकरण, निजीकरण, ठीक है, इस तरह की कुछ ऐसी टर्म्स आ गई है जिन्होंने अर्थव्यवस्था का स्वरूप बहुत कठिन बना दिया है। तो समाज का स्वरूप सरल और सादा था, लेकिन सम विभाजन और विशेषीकरण के होते हुए भी समाज के विभिन्न अंगों में अंतर संबंध और अंतर निर्भरता देखने को मिलती है। कैसे? यदि हम कहते हैं कि हम किसान के ऊपर निर्भर नहीं है, तो ये हमारा सोचना बिल्कुल गलत है। भले ही हम बाजार से आटा खरीद के लाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अप्रत्यक्ष रूप से उस किसान पर निर्भर है, क्योंकि यदि वो अपने खेतों में अनाज नहीं उगाएगा तो आज हम तक वो बाजारों के माध्यम से अनाज पहुंच नहीं पाएगा। तो इसलिए कहते हैं समाज में भिन्नता का जो पनपा, सरल अवस्था जटिल अवस्था की ओर बदली, लेकिन उन भिन्नता के होते हुए भी समाज की विभिन्न इकाइयों में अंतर संबंध अंतर निर्भरता देखने को मिलती है। और इसी में लास्ट पॉइंट है कि जो समाज की अवस्था थी अनिश्चित असंबद्ध समानता की, वो निश्चित संबंध भिन्नता में बदल जाती है। निश्चित क्योंकि समाज की विभिन्न इकाइयों, समाज के विभिन्न जो संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयां हैं, उनके अंग क्या हैं, उनके कार्य विभाजित हो गए, सब अपना अपना कार्य विशेष कार्य करते हैं। और जो समाज की सरल अवस्था थी, मैंने पहले भी बताया था, सरल अवस्था में कहीं ना कहीं जटिल अवस्था अवस्था का रूप ले लिया, इसलिए समाज की ये व्यवस्था निश्चित संबंध भिन्नता में बदल गई है। आया समझ में कि किस प्रकार समाज जो था, समाज जो है, सॉरी, इस समाज में किस प्रकार अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबंध भिन्नता में, और आप इसको विभिन्न एग्जांपल जो मैंने आपको बताया ना उसी तरीके से डिफाइन करेंगे। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अब हम बात करेंगे किस प्रकार सावयव और समाज, इन दोनों में समानताओं का उल्लेख हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था ना कि हर्बर्ट स्पेंसर के सिद्धांत को सावयव की ऊष्मा का सिद्धांत क्यों कहा जाता है। उसका रीजन है, इसे सावयव सिद्धांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर्बर्ट स्पेंसर ने सावयव यानी फॉर एग्जांपल शरीर शरीर की संरचना या रचना और समाज, सावयव और समाज इनमें कुछ समानताओं का उल्लेख किया है जिससे इस सिद्धांत को सावयवी सिद्धांत भी कहा जाता है। और वो समानताएं क्या है, बहुत देखो बुक में आप बुक से नो डाउट सब दिया है, पढ़ लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बुक वाला मैटर हम अच्छे से समझ नहीं पाते कि वो राइटर कहना क्या चाह रहा है। कई बार तो मुझे स्टूडेंट ने यहाँ तक पूछा कि मैडम सावयव का अर्थ क्या होता है, पूरा सिद्धांत पढ़ लिया, एग्जाम दे रहा है, लास्ट तक वो सावयव का अर्थ, क्योंकि हिंदी के जो टफ टर्म्स होते हैं ऑर्गन्स हम समझ जाएंगे, ऑर्गन्स मतलब हमारे बॉडी के पार्ट, तो इसमें समझने वाली बात है। तो आज अब मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि किस प्रकार हर्बर्ट स्पेंसर ने सावयव और समाज में कुछ समानताओं का उल्लेख किया है, इसी के आधार पर इस सिद्धांत को सावयवी सिद्धांत भी कहा जाता है। देखिए सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा है, सावयव और समाज दोनों का ही जो निर्माण है वो धीरे धीरे होता है। ध्यान से समझना, सावयव और समाज ये दोनों, मैं यहाँ दोनों टर्म्स यूज कर रही हूँ, दोनों का मतलब हो गया सावयव से और दूसरा समाज से, पहला सावयव से दूसरा समाज से, दोनों का ही, दोनों की ही
आकार दोनों का भी आकार धीरे धीरे बढ़ता है, बड़ा है या बढ़ता है। देखो कैसे, साम्यवाद और समाज दोनों का ही आकार प्रारंभ में, जो मैंने अभी इससे पहले बताया था फर्स्ट वाला पॉइंट, मनुष्य समाज जो जिस समाज में रहता था उसका आकार कैसा था, छोटा सा, एक दो लोग रहते थे, खाना बदोशी जीवन व्यतीत करते थे, तो आकार क्या था, छोटा। ऐसे ही अगर मैं साम्यवाद की बात करूं तो माता के गर्भ धारण करने के बाद एक भ्रूण का आकार कैसा होता है, छोटा, एक इकाई के रूप में बहुत छोटा, ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात। यहाँ आप हर्बर्ट स्पेंसर ने साम्यवादी ऊष्मा के सिद्धांत को साम्यवादी सिद्धांत क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने साम्यवाद और समाज दोनों में कुछ समानताओं का उल्लेख किया है। जब हम इन समानताओं को डिफाइन करते हैं और बताते हैं तभी ये सिद्धांत कहलाता है साम्यवादी सिद्धांत। पहला इसमें पॉइंट आया है दोनों का ही आकार धीरे धीरे बढ़ता है, चाहे वो साम्यवाद है चाहे वो समाज है। शरीर का निर्माण जब होता है एक भ्रूण एक कोशिका एक सेल से होता है माता के घर में, तो उसका आकार क्या होता है, बहुत सूक्ष्म। इसी प्रकार जब हमारा समाज अस्तित्व में आया था इसका आकार बहुत छोटा था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, दोनों के ही आकार में वृद्धि सरल से दोनों के ही आकार में वृद्धि सरलता से जटिलता की ओर होती है। देखो अब नेक्स्ट पॉइंट आया है, जैसे ही दोनों का आकार धीरे धीरे बढ़ता है, मतलब इनका शुरू में आकार क्या होता है, छोटा, और दोनों के ही आकार में वृद्धि धीरे धीरे बढ़ती है। जैसे ही दोनों के आकार में वृद्धि होती है तो वह वृद्धि सरलता से जटिलता की ओर होती है। अब तुम खुद ही बताइए, मैंने अभी तुम्हें पॉइंट्स बताए हैं शरीर की संरचना और समाज की संरचना, जब धीरे धीरे उनका आकार बड़ा होता जाता है तो उनके अंग स्पष्ट होते हैं, ठीक है। भ्रूण जब बड़ा होता है तो उसके अंग स्पष्ट होते हैं, जैसे आंख नाक गला कान, ठीक है, और शारीरिक अंग हाथ पैर हृदय, ये सब धीरे धीरे विकसित होते हैं और उनका आकार सरलता से जटिलता की ओर होता है, सरलता से जटिलता की ओर होता है। किसमें, दोनों के ही आकार, पहला अभी तो मैंने साम्यवाद की बात करी, दूसरा समाज। समाज की जो प्रारंभिक अवस्था थी धीरे धीरे मैंने बताया मनुष्य में स्थायी निवास कर पा, मनुष्य के अनुभव ज्ञान और विचार में वृद्धि हुई, तो उससे क्या हुआ, उस समाज की संरचना के विभिन्न अंग स्पष्ट हुए, जैसे परिवार विवाह नातेदारी धार्मिक संस्थाएं धर्म अर्थव्यवस्था मैंने अभी अभी बताया दोनों के ही आकार में वृद्धि जो होती है वो किससे होती है, सरलता से जटिलता की ओर। सरल मतलब प्रारंभिक अवस्था सरल थी, अंग स्पष्ट नहीं हुए थे, लेकिन जैसे जैसे आकार में वृद्धि होती है दोनों के, साम्यवाद हो या समाज हो, दोनों के अंग स्पष्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया जैसे साम्यवाद में आंख नाक हाथ पैर ये सब स्पष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार समाज की बात करें, समाज में आर्थिक व्यवस्था अर्थव्यवस्था धर्म राजनीति परिवार सरकार ये सब स्पष्ट हो जाता है, और जैसे ही इनके अंग स्पष्ट होते हैं इनमें जटिलता का समावेश हो जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, दोनों में ही आकार में वृद्धि के साथ साथ आकार में वृद्धि के साथ साथ विभिन्न अंगों में अंतर संबंध और अंतर निर्भरता अंतर संबंध और अंतर निर्भरता देखने को मिलती है। देखो जैसे ही दोनों दोनों का सेंस
मैं बार बार दोनों बता रही हूँ। दोनों का मतलब पहला कौन सा? साव्य और समाज। समाज पहला साव्य और दूसरा समाज, दोनों में ही आकार में वृद्धि के साथ साथ विभिन्न अंगों में अंतर संबंध और अंतर निर्भरता। देखो शरीर, अगर हम कहने लगे शरीर के विभिन्न अंग, आंख तो देखने का कार्य करती है, हाथ हमारे किसी कार्य में हमारा सहयोग करते हैं, कान सुनने का, लेकिन आंख का संबंध कान से नहीं है। अगर हम ये सोचें कि हमारे शरीर में, कि हमारे मस्तिष्क का संबंध हमारे हार्ट से नहीं है, तो ये हमारा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि समी पूरा जो शरीर है वो मिलकर साव्य बना है। किसी भी अंग का कोई पृथक अस्तित्व नहीं है। कैसे? जैसे अभी मैंने बताया मस्तिष्क है, अगर हमारा हाथ किसी जलते हुए स्थान पर लगता है तो तुम जब तक हाथ हम उठाते हैं वो जल चुका होता है या करंट लग चुका होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मस्तिष्क जब तक हाथ को ऑर्डर देता है कि ये गर्म है। बहुत से व्यक्ति जो होते हैं वो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, तो उन्हें सर्दी का आभास नहीं होता, गर्मी का आभास नहीं होता, तो क्योंकि उसके पीछे लॉजिक और रीजन है, उनका मस्तिष्क ठीक से वर्क नहीं करता, जिस कारण उन्हें सर्दी गर्मी या अच्छे बुरे का आभास नहीं होता है। हमारे मस्तिष्क ने हमारे हाथ को ऑर्डर किया कि ये जलने वाली जगह पे लग रहा है, तो हाथ ने हटाया उसको, लेकिन जब तक हटाया तब तक हाथ जल चुका होता है। जो इसलिए कहा जाता है शरीर के विभिन्न अंगों में अंतर संबंध और अंतर निर्भरता है। हाँ, कई बार ऐसे अंग होते हैं जिसके बिना, जैसे एक उंगली है, इसके बिना हम काम चला लेंगे, एक हाथ के बिना चला लेंगे, लेकिन दोनों हाथ हो तो हमारे शरीर का कार्य करना बहुत कठिन हो जाता है। कुछ अंग तो ऐसे है यदि हार्ट काम ना करे तो पूरा शरीर ही काम नहीं करेगा। तो जिस प्रकार जैसे शरीर, देखो मैंने बताया था दोनों में ही आकार के वृद्धि के साथ साथ विभिन्न अंगों में अंतर संबंध और अंतर निर्भरता देखने को मिलती है। साव्यम में क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं समाज की। समाज के विभिन्न अंग, अगर हम कहने लगे कि हमारी अर्थव्यवस्था का हमारे समाज से कोई संबंध नहीं है, अर्थव्यवस्था तो आर्थिक लेन देन, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, इससे मिलकर अर्थव्यवस्था बनती है, और इसका हमारी सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है, तो ये सोचना हमारा पूरा गलत होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम समाज के व्यक्ति ही इस अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करते हैं। हम उपभोगकर्ता कौन है? हम ही लोग। हम जाते हैं बाजार से सामान खरीदते हैं, अगर आज हम सामान खरीदना बंद कर दें अर्थव्यवस्था पटरी पर से उतर जाएगी। अर्थव्यवस्था चली इसलिए रही कि हम मुद्रा देकर सामान खरीदते हैं, उनका काम भी चल रहा है और हमारा काम भी चल रहा है। इसी प्रकार अगर हम कहने लगे राजनीतिक व्यवस्था का हम आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है, तो भी हमारा सोचना गलत है। किन्हीं देशों के उदाहरण देख लो, अफगानिस्तान का मामला सुना है तुमने, है ना? अफगानिस्तान में क्या हुआ? अभी जो मैम बीच में चल रहा था, हाँ, कब्जा हो गया। अलकायदा की हम बात करें तो वहां पे कहने का मतलब है यदि सरकार सुचारू रूप से नहीं चलती तो चाहे धार्मिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, सब कुछ पटरी पर से उतर जाता है। कहने का मतलब मेरा सिर्फ यही है कि समाज के विभिन्न अंगों के बीच चाहे वे कितने भी अलग हो जाए, कहीं ना कहीं अंतर संबंध और अंतर निर्भरता देखने को मिलती है। बात समझ में आई कि समाज के अंग भले ही अलग अलग है लेकिन उनमें अंतर संबंध और अंतर निर्भरता रहती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें हम, नेक्स्ट पॉइंट में ही दोनों में क्या है, इन अंतर संबंध और अंतर निर्भरता के साथ साथ दोनों में ही संचार और वितरण व्यवस्था होती है। वितरण व्यवस्था, संचार मतलब कम्युनिकेशन, कहने का मतलब दोनों ही, चाहे साव्य हो चाहे समाज हो। देखिए साव्य मतलब एक शरीर में जो हमारा मस्तिष्क होता है हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, मानोगे ये बात? यस मैम। जो मैंने अभी अभी तुम्हें एग्जांपल दिया है उससे स्पष्ट है कि जो हमारा मस्तिष्क है हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है क्योंकि हमारे मस्तिष्क के माध्यम से ही सारी क्रियाएं संचालित होती हैं। इवन साइंस की बहुत सारी टर्म इस बीच मैंने पढ़ी है, मैंने तुमसे डिस्कस भी किया था
कि कहीं शरीर मस्तिष्क के किसी भाग में यदि क्लॉटिंग हो जाती है तो पूरा राइट लकवा जैसे कहते हैं ना पैरालाइज्ड हो जाता है, वो पूरा भाग काम करना बंद कर देता है, यानी पूरा शरीर तंत्रिकाओं के माध्यम से हमारा मस्तिष्क पूरे शरीर को कंट्रोल कर रहा है। समाज में इस संचार व्यवस्था का काम हमारी सरकार करती है। हमारी सरकार पूरे समाज को, पूरे सोसाइटी को कंट्रोल करती है अपनी नीति के माध्यम से, अपने नियमों के माध्यम से, अपनी योजनाओं के माध्यम से। तो दोनों में ही संचार और वितरण व्यवस्था पाई जाती है, दोनों में, किसमें? सावयव में और समाज में। नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में आता है, जैसे सावयव के किसी अंग का, ऐसे अंग का शरीर से अलग हो जाने पर सावयव का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। इसको बहुत लंबा है, मैं लिख नहीं रही हूँ, ध्यान से सुनो। सावयव के किसी अंग का सावयव से अलग हो जाने पर सावयव का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। उसी प्रकार समाज के किसी अंग का समाज से अलग हो जाने पर समाज का अस्तित्व भी समाप्त नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी भी बताया था, किसी व्यक्ति की एक उंगली कट गई, उसका मतलब ये नहीं है कि उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया। उसका काम करता रहेगा, इस उंगली का कार्य दूसरा चीजें संभाल लेती है। इसी प्रकार समाज के निर्माण, कई हमारे समाज का निर्माण व्यक्तियों से भी होता है। इकाई जो होती है हमारे समाज की, व्यक्ति होती है। जैसे कोई व्यक्ति, जैसे क्या होता है, कई बार बहुत से व्यक्ति मर जाते हैं, युद्ध हुआ, अकाल मृत्यु या किसी तरह की विभीषिकाएं आए, बहुत सारे व्यक्ति मर जाते हैं, तो उनके मरने से समाज का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। तो कहने का मतलब है, जिस प्रकार सावयव के किसी अंग के सावयव से अलग हो जाने पर सावयव का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, उसी प्रकार समाज की किसी इकाई से समाज से अलग हो जाने पर समाज का अस्तित्व भी समाप्त नहीं होता। आया समझ में? नेक्स्ट अगर हम बात करें, दोनों में ही विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं होती है। सावयव और शरीर रचना दोनों में ही अनेक प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को देखें, बहुत सारी ऐसी विभिन्नताएं हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। मस्तिष्क का जो ये राइट, ये लेफ्ट पार्ट है, इसका संबंध राइट पार्ट से है, और जो हमारे मस्तिष्क का राइट पार्ट है उसका लेफ्ट पार्ट से संबंध है। कहने का मतलब है बहुत सारी विभिन्नताओं का समावेश होता है, फिर भी वो पूरा शरीर कहलाता है। इसी प्रकार सोसाइटी में जो बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, विभिन्नताएं किस तरीके से, आज अगर हम देखें बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, धर्म को लेकर, जाति को लेकर, भौगोलिक क्षेत्रों को लेकर, प्रजाति को लेकर, प्रोटोस्टियार्ड, मंगोलियार्ड, निग्रियार्ड, विभिन्नताएं समाई हुई है, लेकिन वो हम सब सोसाइटी के पार्ट है। इन विभिन्नताओं के होते हुए भी हम सब क्या है, सोसाइटी के पार्ट है, समाज के अंग है। उसी प्रकार हमारे जिस प्रकार शरीर में विभिन्नताएं हैं, लेकिन है सब शरीर, उसी प्रकार सोसाइटी में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं, भाषाई आधार पर, बोलियों के आधार पर, पूरे विश्व देखो आज भिन्नताएं भिन्नताएं, लेकिन फिर भी हम अपने समाज के भाग हैं। तो इसी प्रकार हर्बर्ट स्पेंसर ने बहुत सारी, मतलब कम से कम 8 समानताओं का उल्लेख किया है। इसके साथ साथ अभी और बता रही हूं मैं, जैसे सावयव और शरीर रचना, वो कहते हैं दोनों में ही क्या होता है, चाहे वो सावयव हो चाहे शरीर रचना, दोनों का कंट्रोल जैसे मैंने बताया मस्तिष्क के माध्यम से होता है, मतलब संचार और वितरण व्यवस्था होती है शरीर में मस्तिष्क के माध्यम से और समाज में सरकार के माध्यम से। इसी प्रकार दोनों में ही कुछ विभिन्नताएं होते हुए भी दोनों क्या है, समान है। सावयव और शरीर रचना दोनों में ही कहीं ना कहीं लास्ट में जाके वो पता क्या कहते हैं, अनिश्चित असंबद्ध समानता से जो सरलता थी कहीं ना कहीं आकर वो निश्चित संबद्ध भिन्नता में बदल जाता है। जैसा कि उन्होंने बताया था, प्रारंभिक समाज था और अब के समाज में बहुत अंतर है, क्योंकि उसमें किस चीज का समावेश हो गया है, जटिलता। जो सरलता थी, सरलता कहीं ना कहीं जटिलता में बदल गई है। सरलता जटिलता में
बदल गई है। तो इस प्रकार हर्बर्ट स्पेंसर ने किस प्रकार कि इसे साव्य भी अब समझ में आया, इसे साव्य भी ऊष्मा का सिद्धांत क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने साव्य और समाज दोनों के बीच ऐसी समानताओं का उल्लेख किया जिससे इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, साव्य भी ऊष्मा का सिद्धांत, या हर्बर्ट स्पेंसर का साव्य भी सिद्धांत।